दोस्तों स्वागत है आपका खास खबरें आपका अपना न्यूज चैनल। देश और दुनिया की खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और लेटेस्ट खबरें सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन को हिट करना न भूले। जानिए सभी भारतीयों के बैंक खाते में 15 लाख रुपए कब आएंगे, मोदी के वादे की सच्चाई आई सामने। दोस्तों मोदी सरकार को सत्ता में आए हुए 4 साल से भी अधिक समय हो चुका है। इस दौरान मोदी सरकार ने बहुत सारी नई योजनाएं लेकर आई है जिससे सभी भारतीय लोगों को बहुत फायदा हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त कुछ ऐसे बड़े वादे किए थे जो अब तक पूरे नहीं हो पाए हैं। अपने वादे के मुताबिक मोदी जी विदेशों से भारत का सारा काला धन वापस लाएंगे और हर भारतीय में 15 लाख बांट देंगे जिससे प्रत्येक भारतीय के बैंक खाते में 15 लाख रुपये आएंगे। सभी लोग यह सुनकर बहुत खुश और उत्साहित हो गए थे। इस वादे के दम पर बीजेपी को जमकर वोट मिले और पार्टी ने बड़ी जीत हासिल कर ली। लेकिन 4 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी एक भी भारतीय के खाते में 15 लाख तो क्या 15 रुपए तक नहीं आए हैं। इसके बारे में मोदी सरकार में मंत्री नितिन गडकरी ने इंटरव्यू के दौरान एक बड़ा बयान दिया है और कहा कि बीजेपी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वह जीतेंगे, इसलिए पार्टी द्वारा नेताओं को बड़े बड़े वादे करने के लिए कहा गया था। यानी मोदी जी का यह वादा कभी पूरा नहीं होने वाला है। अगर तारीख की बात की जाए तो शायद 30 फरवरी को यह पैसे आपके खाते में आ जाएंगे। यही बात कहकर कांग्रेस ने बीजेपी का खूब मजाक उड़ाया है।